बरेली के आंवला क्षेत्र में आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्कूल जाते वक्त एक बच्चे का कुछ लोगों द्वारा अपहरण करने के प्रयास की सूचना लोगों को मिली। इस बीच पहले से फैली बच्चा चोरी की अफवाह के बीच स्कूल जा रहे बच्चे के अपहरण के प्रयास की सूचना से इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल आंवला कस्बे के खेड़ा मोहल्ले में रहने वाले हरद्वारी लाल का बेटा अनिल कुमार सरस्वती विद्या मंदिर में कक्षा 6 का छात्र है, जो आज सुबह करीब 8 बजे अपने क्लासमेट के साथ स्कूल जा रहा था। छात्र के अनुसार उसे रास्ते में एक दीवार छलांग कर आए चार लोगों ने उसका अपहरण करने का प्रयास किया, जिसमें उसे पकड़कर दीवार के उस पार ले जा रहे थे, लेकिन बच्चे ने आरोपियों के हाथ में काट लिया, जिसकी वजह से वह छोड़कर फरार हो गए। वहीं आरोपियों के चंगुल से छूटकर मासूम ने आपबीती परिजनों को सुनाई, जिसके बाद से यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके साथ ही बच्चों समेत अन्य लोगों में दहशत फैली हुई है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर शांति बनाने रखने की अपील की है। इसके साथ ही पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, वहीं स्थानीय लोगों से पूछताछ भी कर रही है। वहाँ से आ रहा था साइकिल से, दो लोग वहाँ से नीचे आके कूदे तो मुझे पकड़ लिए, मुझे दबा लिए, मैं तो पलंग डाल रहे थे, तो मैंने उन गाड़ी तो पकड़ दी तो छोड़ दी, तो मुझे घर पे भाग गया जल्दी जल्दी। तुम कहाँ जा रहे थे? हम स्कूल जा रहे थे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 में। क्या नाम तुम्हारा? अनिल। कहाँ रहते हो? खेड़े पे। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सरस्वती विद्या मंदिर। हाँ वो हंसाते ही। क्या बजे बात है? 8 बजे की।